अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जी छत पे और आपको दिखाते हैं अपने परिंदे। और यहाँ पे हमने अपना रख दिया जी मास्टर केज। इंशाल्लाह जल्दी हम यहाँ पे अपने परिंदे रखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वकासवान यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं जी आप सब ठीक होंगे और आपके परिंदे भी ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने बर्ड्स के रूम में और मास्टर केज में। तो अभी मैं अपने बर्ड्स को दाना पानी करूँगा और साथ ही साथ अपने मैगपाई के चिक्स को फीड करवानी थी, लेकिन अब बहुत ही अफसोस की बात है आज हमारे सेटअप पे एक नुकसान हो गया है। मेरे ब्लू मैगपाई के जो चिक्स आए हुए थे वो एक एक्सपायर हो गया है। बड़ा दुख हुआ है जी सुबह सुबह आके जब देखा मैंने। तो चलें आपको भी दिखाते हैं जी, बहुत मुझे दुख हुआ जब देखा इस बच्चे को मरा हुआ। मैं इसको हैंड फीड करवा रहा था और सोच रहा था कि जल्दी आपके साथ भी हैंड फीड का तरीका मुकम्मल तौर पे शेयर करूँगा। दोस्तों जैसे ही मैं सुबह के टाइम यहाँ पे आया था तो ये देखा है मैंने कि ये पीस यहाँ पे एक्सपायर हुआ पड़ा है, तो इसको चुंटियाँ वगैरह भी काट रही हैं बहुत बुरी तरह से। पता नहीं इसको क्या मसला हुआ है। दोस्तों शौक में ये चीज़ भी होती है, नुकसान आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बड़ी मेहनत के साथ मैंने उसको हैंड फीड करवाई और इतना बड़ा किया, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी यही थी कि इसने जाना था। तो बस चलें कोई नहीं, ये भी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। इसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और फिर करवाते हैं दूसरे चिक्स को हैंड फीड। इसको फ़िलहाल मैं इधर रख देता हूँ, बाद में किसी जगह दफना देंगे जी इसको। और ये जी हमारे माशाल्लाह बर्ड्स वेट कर रहे हैं कि कब इनको दाना पानी मिले। साथ ही इन्हें दाना पानी करवाते हैं और अपने जो ब्लैक का भी एक चिक्स रह गया है इसका मैगपाई का, उसको भी फीड करवाते हैं और आज आपके साथ फीड का तरीका भी शेयर कर देंगे। ये जी दोस्तों अभी हम ले आए हैं जी ब्लैक का चिक्स जो हमारे पास अभी रह गया है, दूसरा इसका साथी तो एक्सपायर हो गया है। तो चलते हैं जी इसको फीड करवाते हैं। तो माशाल्लाह जी दोस्तों आप देख सकते हैं ब्लैक का चिक्स हमारे पास पड़ा हुआ है, अभी हम इन्हें करवाने वाले हैं जी हैंड फीड। जी हैंड फीड जिसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक सिंच और एक स्कॉफ फीड पंप। तो चलते हैं जी करवाते हैं इसको फीड। और ये देखें मेरे से ना दाना भी मांग रहा है, इसको पता है अभी आ गया, हमें फीड करवाएंगे। तो इस तरह से हमने ना हैंड फीड भर लेनी है इसमें पंप में दाना जो है। ये देखें बड़े शौक से खाना चाह रहा है और इसका साथी तो एक्सपायर हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह इसको नहीं दे। तो इस तरह से आपने एक फॉर्म भर के इसके मुँह में डाल देना है। ये दोबारा से देख सकते हैं ऐसे करके, ये आपने ऐसे फीड पंप पे दाना भर लेना है इस तरह से, और ये स्पेशल दे देना है और साथ ही आपने सिंक पकड़ के बड़े आराम से पानी देना है। ये देखें जी आज हमारी ड्यूटी मुकम्मल हुई है, हमने इसको फीड करवा दिया। तो चलते हैं बाकी परिंदों को भी दाना पानी देते हैं जी। ठीक है अभी इनको भी दाना पानी करते हैं। नहीं दोस्तों अभी हम अपने कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, कुछ डाल दिया था कुछ थोड़ा और कम है वो डाल देते हैं और ये बड़े शौक से खाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखें जी ये उड़ान कर रहे हैं जल्दी से। बाकी को भी डालते हैं जी, ये इसके पास तो दाना पड़ा हुआ है, इनको डाल देते हैं, इनका दाना नहीं है। चलें जी इसको भी हो गया, इसको भी कर देते हैं जी।
और साथ ही साथ इसको भी लगा देते हैं। अरे कुछ रह गए हैं उनको लगाते हैं जी। माशाल्लाह ये देखें जी हमारे बर्ड्स यहाँ पे भी कुछ बैठे हुए हैं जो कि बाहर दाना खाने नहीं जा रहे, चलें ये खुद ही चले जाएंगे। हम अपनी ड्यूटी मुकम्मल करते हैं क्योंकि अभी कुछ काम है, मैंने उधर भी जाना है, तो ये दाना पूरा करते हैं सबका। दोस्तों जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें।